मॉर्निंग, आई एम संगीता जैन फ्रॉम मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेलकम्स यू टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ सोशल स्टडी. स्टूडेंट, टुडे विल स्टार्ट विथ आवर पार्ट टू पार्ट द अर्थ आवर हैबिटेट पार्ट टू. फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. How wonderful it is to watch the sky after sunset. जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कितना सुंदर हमारा आकाश का नजारा रहता है. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. सबसे पहले हमें एक या दो कुछ चमकीले डॉट्स दिखाई देते हैं. Soon you would see number इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे पूरा आकाश वो छोटे छोटे डॉट्स से गिर जाता है. यू कैनॉट काउंट देम एनी मोर, और इतने सारे वो छोटे छोटे डॉट्स हो जाते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते. द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर डिम. धीरे धीरे पूरे आकाश में कुछ चमकीले छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं. कुछ तो बहुत ब्राइट होता है, कुछ बहुत डिम होता है. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स, और ऐसा दिखने लग जाता है आकाश का पूरा नज़ारा जैसे कि आकाश में चारों तरफ डायमंड छितरे हुए हैं. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और वो सब चमकते हुए दिखाई देते हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली You will notice that some of them do not twinkle as other do. लेकिन जब हम उन तारों को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से कुछ तो तारे चमकते हैं लेकिन कुछ तारे चमकते नहीं हैं. They simply glow without any flicker just as the moon shines. वो सिर्फ थोड़े से चमकते हैं जिस तरह से एक मून अपना चांद चमकता है, वो भी उसी तरह से एक हल्का सा चमकता हुआ दिखता है. अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, और कुछ दिन तक हम लोग को ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ मून भी दिखता है. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजिशन. ये चांद हमें अलग अलग समय में अलग अलग शेप, उसके अलग अलग शेप दिखते हैं, उनकी पोजीशन भी अलग अलग दिखती है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम, एक महीने में हमें फुल मून देखने को मिलता है. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और पूर्णिमा के समय में ये फुल मून हमें पूरा गोल आकार में चमकता हुआ दिखाई देता है. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैनॉट सी इट एट ऑल, और फोर्टनाइट के बाद हमें मून दिखाई नहीं देता है. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, तो पूर्णिमा के 15 दिन के बाद जब हमें मून दिखाई नहीं देता है उसको हम न्यू मून नाइट या अमावस्या के नाम से पुकारते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, और जब अमावस्या की रात होती है तो हमें बहुत आकाश में सारे तारे दिखते हैं और पूरा साफ सुथरा आकाश नज़र आता है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, क्या आप बता सकते हो कि दिन के समय में हमें चांद और ये तारे नहीं दिखाई देते हैं? क्यों? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें सुबह इतनी तेज होती है जिसके कारण हमें ये तारे और चांद दिखाई नहीं देता है. सूर्य की ब्राइट लाइट के कारण, तेज रोशनी के कारण ये छुप जाते हैं और हमें दिखते नहीं है. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तब आ रहा है हमारे celestial bodies क्या है? तो हमारे आकाश में sun, moon और जितने भी चमकते हुए चीज़ें दिखती है रात को,
उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से जानते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है बहुत बड़े होते हैं और बहुत गर्म होते हैं और उनमें गैसेस भरे होते हैं, गैस भरी हुई होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। उनके खुद की अपनी गर्मी होती है, रोशनी होती है और वो बहुत तेजी से दिखता है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। ये सेलेस्टियल बॉडीज जो चमकते हैं, जिनकी अपनी रोशनी होती है, अपनी लाइट होती है और उसमें गर्माहट होती है, उन्हीं को हम स्टार्स कहते हैं। द सन इज अ स्टार, इसलिए इसी तरह सूर्य भी एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। हमारे आकाश में, रात के आकाश में बहुत सारे चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं। बट वी डू नॉट फील द हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन उनमें इतनी गर्माहट नहीं देती है, इतनी लाइट भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमारे से बहुत दूर होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस डेट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वैन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, जो भी चीज़ बहुत दूरी पे होती है वो बहुत छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स वैन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। आपने देखा होगा आकाश में जब एरोप्लेन बहुत हाइट में होती है तो वो बहुत छोटी आकृति में दिखाई दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। जब आप रात को स्काई देखोगे, आकाश देखोगे, तो आपने कभी देखा होगा कि स्काई में तारों के ग्रुप से बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। और ये ग्रुप जो बनते हैं, ये पैटर्न जो तारों से बनते हैं, उनको हम कॉन्स्टिलेशंस के नाम से जानते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। इसी में एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर है, जिसको हम लोग बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्त सेवन ऋषि सेजेस। इसी तरह से एक सबसे जानकार हमारा कॉन्स्टिलेशन है, जिसे हम सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त मने होता है सात और ऋषि होते हैं अपने ऋषि मुनि जो होते हैं वो। इसका मतलब होता है सात ऋषियों का समूह। इट इज ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स डेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये सात स्टार से बन के ग्रुप बनता है, जो कि एक उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का पार्ट है। Ask someone elders in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. आप अपने रात को आकाश में अगर अपने कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ या नेबरहुड के साथ अगर आकाश में देखोगे तो आपको और भी बहुत सारे constellations दिखाई देंगे। उनसे आप पूछो और उनसे समझो कि stars, planets और constellation के अलग अलग कॉन्स्टिलेशन कौन से बन रहे हैं। इन एंशंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पुराने समय में जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो लोग डायरेक्शंस के द्वारा समय निकाल लेते थे और हमारे डायरेक्शंस भी आराम से स्टार्स के द्वारा निकाल लेते थे। ये कौन सी दिशा है, उनकी दिशा स्टार्स के द्वारा पता चलती थी। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है उससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो ये नॉर्थ स्टार को हम लोग पोल स्टार्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। पोल स्टार अपने ही पोजिशन में हमेशा बना रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्त ऋषि। हम जब सप्त ऋषि सात स्टार्स को देखते हैं तो उनके द्वारा हम पोल स्टार को आराम से पहचान सकते हैं।
Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. आप नोटिस करोगे, इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करो जो कि अपने पॉइंटर स्टार्स से आगे बढ़ती हुई जाती है, तो वो हमारे को पोल स्टार को तक पॉइंट करेगी. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती है जिनकी अपनी गर्मी और लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो स्टार्स के लाइट से चमकते हैं. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट. उन्हीं को हम प्लैनेट के नाम से जानते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर. प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड है, प्लैनेटाई इसका मतलब होता है वंडरर. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. हमारा अर्थ है ये भी एक प्लैनेट है जहाँ हम रहते हैं. वी गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज आवर नियरेस्ट स्टार. तो हमारा अर्थ को भी गर्मी और रोशनी सन से मिलती है जो हमारे सबसे करीबी स्टार है. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. अगर हम लोग अर्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखें जैसे अपने मून, तो ये भी मून की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा. द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. द मून जो हम लोग स्काई में देखते हैं ये एक हमारा सैटेलाइट है. इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट. ये हमारा अर्थ का एक फ्रेंड है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है. लाइक आवर अर्थ देर आर सेवन अदर प्लैनेट्स that get heat and light from the sun. Some of them have their moon too. जिस तरह से हमारा सन है उस तरह से सेवन और दूसरे planets भी है जिनकी heat और light sun के द्वारा मिलती है और उनके भी अपने अपने moon होते हैं. So student, ये आज का lesson था आपका. अब आपके लिए कुछ task है जो आपको homework copy में करने हैं. तो आपका होमवर्क है, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं होमवर्क कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज. आंसर है द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशन. आंसर लिखो, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन. नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, नेम एनी वन कॉन्स्टिलेशन. आंसर है उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. द पोल स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th है, व्हाट आर प्लैनेट्स. आंसर, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडरर्स. सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दे आर
lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. So student, these are your tasks you have to complete in your homework copy. Again, we will meet in our next class. Okay, thank you.